हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ पलवल का स्टफिंग वाला सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इतना चटपटा होता है कि अगर आपने एक बार बनाया ना तो आपका हमेशा मन करेगा कि परवल की सब्जी का आप यही बनाओ। एक्चुअली मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स कम हैं इसलिए मैंने बस चार परवल लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग जितने फैमिली मेम्बर्स हैं। वेल इसको क्या करना है, इसको अच्छे से पहले छील लेना है, ठीक है, और उसके बाद इसके बीच में हल्का सा कट लगा कर उसको जितने सीड्स हैं उसको निकालना है, और सीड्स को फेंकना नहीं है क्योंकि इन सीड्स को हम इसके स्टफिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सारे सीड्स निकाले जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैं इसके सीड्स को ग्राइंडर में मतलब मिक्सर में डालकर उसके साथ टोमेटो, अनियन, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची, जितने मसाले हैं, ग्रीन चिली, ये सारे डालकर पीस लूँगी अच्छे से, और वो भी अच्छा सा बना कर लिया। आप देख रहे हो पेस्ट मैंने बना लिया। अब इसमें मैं डालूँगी अचार, और अचार से इसका फ्लेवर और मतलब बहुत इन्हेंस हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, नमक कम लग रहा था तो मैंने फिर से नमक डाले, और अब मैं इन सब के मतलब पलवल के साथ स्टफिंग कर रही हूँ ये इसको। और इसमें कुछ मसाले मतलब बच जाएंगे और बचाना भी है हमें, क्योंकि हमें उसी मसाले को कुकर में डालकर नीचे पहले फैला दिया, फिर ऊपर से मैंने पलवल डाल दिया और उसके बाद ऑयल डाल दिया, और बस कुकर को बंद करो और 2 से 3 सीटी मीडियम लो पे बनाकर रखकर रेडी कर लो। और ये हो गया पलवल की।